नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर आप किस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसा करना है, कौन से डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना होता है, उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी आपको प्रेफर करनी है, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कौन सी आपको फॉलो करनी होती है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है। अगर आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो पहले आपको बैंक निफ्टी के बेस पे वॉल्यूम चेक करना है और उसका डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी में अभी वॉल्यूम आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट को एनालाइज करें तो आपको एक बाय कॉल मिला था, और ये बाय कॉल जो जनरेट हुआ था, आप यहाँ पे टाइम चेक कर सकते हो, 10:45 को ये सिग्नल जनरेट हुआ था। अब ये सिग्नल को आपको एनालाइज करना होता है। एनालाइज करने के लिए सिंपल पैरामीटर आपको यहाँ पे देखना है, ये मल्टी टाइम फ्रेम का डैशबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको ये बनेगा। सेकेंड पैरामीटर आप यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो, या फिर बायर सेलर के परसेंटेज भी आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे मेन पैरामीटर आप अगर चेक करो तो यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम का डैशबोर्ड रहेगा। मतलब आप अगर यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम चेक करें तो 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और आवरली का जो टाइम फ्रेम है ये आपके बाइंग के फेवर में था। तो यहाँ पे ये स्ट्रांग बाइंग का इंडिकेशन आपको दे रहा था। इस कारण हमें क्या करना है, हमें कॉल साइड में ट्रेड करना है। मतलब कॉल की स्ट्राइक प्राइस हमने यहाँ पे चॉइस करनी है, और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला ये फॉलो करना है कि जो भी प्रीमियम आपको 260 से लेके 340 के अंदर का रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसमें अगर कोई कॉल बनता है तो आपको उसमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना तो ये एडवांस ऑप्शन इंडिकेटर आपको यूज़ करना है। ये इंडिकेटर आप 5 मिनट के बेस पे यूज़ कर सकते हो, और जब भी ये इंडिकेटर के बेस पे आपको कंफर्म परफेक्ट कॉल मिलता है तो आपको वहाँ पे 90% की श्योरिटी मिलती है फर्स्ट टारगेट को लेके। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट होता है ये अराउंड 7-8% का आपको रिटर्न देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किए, जिसमें से 50,300 का ये कॉल है और 50,400 का ये कॉल है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में आप टाइमिंग चेक करो तो आपको 10:45 को आपको बाय का इंडिकेशन मिला था, जहाँ से आपको व्यू बनाना चाहिए था कि मैं कॉल साइड में यहाँ पे ट्रेड करूँगा। तो यहाँ पे अगर 50,300 का कॉल हम रेफर करेंगे तो यहाँ पे जो कॉल जनरेट हुआ था ये आप देख सकते हो, यहाँ पे टाइमिंग चेक करें तो 10:40 का ये कॉल था, और यहाँ पे आप अगर ये कॉल चेक करें तो ये कन्फर्म परफेक्ट नहीं माना जाएगा और इसमें आपको ट्रेड भी नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद आप अगर चेक करें तो यहाँ पे 50,300 के कॉल में कोई भी आपको ट्रेड देखने को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्ट्राइक प्राइस आप अगर चेक करें तो 50,400 का कॉल मैंने लगाया, अगेन 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे 10:45 के बाद का जो कॉल जनरेट हुआ था आप ये कॉल चेक करें, ये कॉल आया था 11:40 को, कन्फर्म परफेक्ट कॉल बना और इसने आपको टारगेट भी दे दिया। ठीक है, तो इस तरह के कॉल्स में आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने स्टेप्स क्या फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन किस दिशा में है। ठीक है, कॉल साइड है या फिर पुट साइड है, और जब भी आपको ऐसा कोई इंडिकेशन फ्यूचर या फिर कैश के चार्ट से मिलता है फिर आपको वो डायरेक्शन के स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कॉल साइड का व्यू था तो मैंने कॉल साइड में जो भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना था वो यहाँ पे रेफर किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बेस पे मैंने एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी को यहाँ पे एनालाइज करने के लिए यूज किया, और यहाँ पे जो भी कंफर्म परफेक्ट कॉल आपको मिला 10:45 के बाद, तो ये कॉल आपको मिला है। आप ये कॉल चेक कर सकते हो, यह आया था 11:40 को, कंफर्म परफेक्ट कॉल बना। अब जब भी आपको कॉल को एनालाइज करना होता है कुछ एडवांस पैरामीटर्स आपको देखने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंड ऑफ द कैंडल जो पैरामीटर्स आपको देखने हैं उसमें पहला बनेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पे चेक करना है आपको, ये ग्रीन होना चाहिए। सेकंड थिंग आपको देखनी है बायर्स का परसेंटेज, ये सेलर से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड थिंग आपको कैंडल का कलर देखना है, और लास्टली आपको देखना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर कोई भी कॉल आपको ऐसा मिलता है जहाँ पे ये सारे पैरामीटर्स मौजूद है तो वो कॉल कन्फर्म परफेक्ट माना जाता है, और ऐसे ही कॉल्स में आपको ट्रेड करना है ताकि आपको 90% की श्योरिटी मिले फर्स्ट टारगेट को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप अगर चेक करो तो यहाँ पे एंट्री आपको मिली थी 269.20 के रेट से, और इजीली आपको दो टारगेट मिले। ठीक है, और उसके बाद आप अगर चेक करो तो यहाँ पे आपको एग्जिट कॉल दिया और मार्केट वहाँ से नीचे आया। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी में आपको कन्फर्म परफेक्ट कॉल्स मिलते हैं, और सिग्नल्स के अलावा भी कुछ एडवांस इंडिकेशंस आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि यहाँ पे कैंडल के कलर्स आपको चेंज होके मिलते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लाइट ग्रीन कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है और डार्क ग्रीन है, और उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज कैंडल्स है। तो इसका क्या मीनिंग बनता है, इसको आपको कैसे एनालाइज करना होता है। तो जैसे यहाँ पे लाइट ग्रीन कैंडल्स दिखाई देती है तो आपको इसका इंडिकेशन ये बनेगा कि एक्युमुलेशन फेज आपको डिनोकेट करेगा, मतलब यहाँ पे फ्रेश मार्केट में बायर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपको यहाँ से पता लगता है।
ठीक है, मार्केट में फ्रेश बायर्स एडअप होना स्टार्ट हो गए, उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नल मिला है और वो सिग्नल में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मूवमेंट भी देखने को मिली, और यहाँ पे आप देख सकते हो मूवमेंट में आपको रेजिस्टेंस का एक लेवल मिला था जहाँ से मार्केट रिवर्सल आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है, उसके अलावा यहाँ पे आपको एग्जिट पॉइंट्स भी मिलते हैं, और यहाँ पे जो ऑरेंज कैंडल्स आपको दिखाई देंगी ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज डिनोकेट करेगी, मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बायर्स एग्जिट होना स्टार्ट कर देते हैं, ये आपको यहाँ से इंडिकेट होता है। और ऑरेंज कैंडल्स आने के बाद आप देख सकते हो मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हुई। ठीक है, तो इस तरह के एडवांस इंडिकेशंस आपको स्ट्रैटेजी के थ्रू मिलते हैं। आप अगर इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहते हो, आप अगर इस स्ट्रैटेजी का लाइव डेमो देखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप करें, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहाँ जाके पे आप रजिस्टर कर सकते हो, ताकि हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा और ये स्ट्रैटेजी का लाइव डेमो आपको अरेंज करवा देगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।